यूपी के आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी ने आरिफ नाम के शख्स पर अपना धर्म छुपाकर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसकी मुलाकात आरिफ के साथ लखनऊ के एक कार्यक्रम में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच जान पहचान और बढ़ गई। पीड़िता ने बताया कि आरिफ ने उसे अपना नाम आदित्य बताया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। महिला का दावा है कि इसी दौरान उसे पता चला कि आदित्य आर्य का असली नाम आरिफ हाशमी है, जिसके बाद आरोपी आरिफ पीड़िता पर उसका धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी की प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता किसी तरह पुलिस के पास पहुंची और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता ने आरोपी पर लाइसेंसी बंदूक दिखाकर डराने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि 21 अप्रैल को इस साल आरिफ की मां का देहांत हो गया, जिसके बाद वो मुझसे 60,000 रुपए की मांग करने लगा और उसने जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती रुपए भी ले लिए थे। थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो एस्टैब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसको, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी महिला, क्या था पूरा? इसीलिए धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है, और जो कन्वर्जन जो का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि थाना सदर क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता के पति की 2005 में मौत हो गई थी। पीड़िता के पिता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और उनकी भी मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर आरोपी की सपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।